हेलो एवरीवन, वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल मुआलोक आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो ये वीडियो सेशन में डिस्कशन करवा कि सिलेक्टिव जीके क्वेश्चन ओडिशा समस्त कॉम्पिटिटिव परीक्षा पर मैक्सिमम आपर हिस्ट्री क्वेश्चन रही तेनाली वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यटन निहती देखु। वीडियो सेशन भल लगे निहती लाइक करदे, चैनल को जब सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदे सहित बेल आइकन प्रेस कर दिंतु, जहाँ फल जितने वीडियो अपलोड करूँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको शीघ्र शीघ्र मिली। तो चलो डिस्कशन गुटा स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर वन देखु, विलियम नोरिस वाज एन इंग्लिश एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ, देखु ऑप्शन देखिए अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, फारूख सियार। देखो ये सठिक उत्तर विलियम नोरिस जे कि इंग्लिश एम्बेसडर थे इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, तो ऑप्शन सी हूँ आपर करेक्ट आंसर बुझे। तो मन रखु विलियम नोरिस वाज एन इंग्लिश एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन आपको पचारा, द मुगल रूलर हु क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ द मुहतसिब वाज, ऑप्शन दे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो सठिक उत्तर कौन? तो सठिक उत्तर टी होंगे आंसर हम समस्त मन रखु औरंगजेब, तो औरंगजेब एठार सठिक उत्तर ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखु नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा, व्हेन डिड सर विलियम जोन्स फाउंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखो ये आप क्वेश्चन पचारे ना मोस्टली एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल परीक्षा आसे, तो भल भाव में मन रखु सर विलियम जोन्स आम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड करते समस्त मन रखु जनवरी 15 1784, तो 1784 हूँ सठिक उत्तर ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। मन रखु जनवरी 15 1784 आमर सर विलियम जोन्स फाउंड करते एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा, हु एमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल डिवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन, देखु ऑप्शन देखिए लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड आमहेरेस्ट। देखो ये सठिक उत्तर टी हो जी स्टार्ट करते पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल डिवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन से होती लॉर्ड मायो, तो मन रखु लॉर्ड मायो हूँ सठिक उत्तर ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो देखो मोस्टली आप देखिए ना आपर यह क्वेश्चन परीक्षा में निहाती गोटे आसो जब ओट्रे पलिसी परीक्षा दौरान ना, तो ओट्रे पलिसी परीक्षा आप गवर्नर जनरल या सहित भाइस रय विषय में निहाती गोटे क्वेश्चन कंपलसरी आसो, यहाँ ग्यारंटी क्वेश्चन, तो आप भल भाव प्राक्ट करके जी देखते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या सहित भाइस रय ऑफ इंडिया मोस्टली युवक आप देखिए जी जमी आप फास्ट भाइस रय किए थे, लास्ट भाइस रय किए थे, युवक आप मन रखी जी कारण डायरेक्ट गोटे क्वेश्चन परीक्षा में निहती आस। तो नेक्स्ट देखु नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा, इन ह्विच इयर पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास, देखो यहाँ मोस्टली इनिशियली केबे स्टार्ट होता पचार बुझे, तो आप ऑप्शन देता 1852 AD, 1853 AD, 1854 AD, 1855 AD, तो सठिक उत्तर टी हो इनिशियली इंट्रोड्यूस होता पोस्ट ऑफिस एक्ट मन रखु 1854 AD, 1854 AD, तो सठिक उत्तर टी हो मोस्टली मन रखिए आमर पास नुहे आप पोस्ट ऑफिस एक्ट समस्त मन रखु इंट्रोड्यूस होता इंट्रोड्यूस होता आमर 1854 AD। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा, इन ह्विच इयर द ट्रीटी ऑफ साल्वाई वाज कनक्लूडेड, देखो ट्रीटी ऑफ साल्वाई आम कनक्लूडेड होता है पचारि बुझे, तो आम जानते भल भाव में 17 मे 1782 मन रखु 17 मे 1782 AD आमर ट्रीटी ऑफ साल्वाई कनक्लूडेड होता, तो सठिक उत्तर कौन? तो सठिक उत्तर आपठे ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर 1782 AD। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा, हु एमंग द फॉलोइंग वाज डिफिटेड इन पोर्टोनोवो, देखो पोर्टोनोवो किए मोस्टली डिफिटेड होते पचार, तो देखो ये सठिक उत्तर टी समस्त मन रखु हायदर हायदर अली ऑफ मैसूर, तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। देखो वार रिलेटेड जो क्वेश्चन रही भल प्रैक्टिस करेंगे कारण वार रिलेटेड रिलेवेंट क्वेश्चन निहाती परीक्षा आसो। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा, आरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो, देखु ये आप प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देखु तार फाउंडेशन मोस्टली फॉर्मेशन ईयर टा आप मन रखु प्रार्थना समाज के, तो देखो प्रार्थना समाज आम होता 1867 प्रार्थना समाज बुझे, या सहित तो आपर रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण मिशन होता समस्त मन रखु 1897 रामकृष्ण मिशन, तापर आप आसला
ब्रह्म समाज आमर के फाउंड होता मोस्टली फॉर्मेशन होता तो ब्रह्म समाज फॉर्मेशन होता 1828 मसीह ब्रह्म समाज बुझिपारे। तापर आप मन रखु आमर आर्य समाज, तो आर्य समाज फॉर्मेशन होता मोस्टली 1875 आर्य समाज। तो से अनुसार जब आप आरेज करेंगे तो आप सठिक उत्तर कौन हम सठिक उत्तर टीजी ऑप्शन सी। प्रथम आप देखते आसो कौन प्रथम आसो आपणकर ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के तो मन रखु ब्रह्म समाज हूँ 1828 28 पर आपंकर आसो देखु 1828 पर आपंकर आस 1867 1867 कौन प्रार्थना समाज बुझिपारे 3-1। तापर आप आसो आर्य समाज। आर्य समाज के तो आर्य समाज हूँ आमर 1875 आर्य समाज आसला तो आपणकर आई भी आसला जैक आमर आर्य समाज। तब लास्ट को आसो आपणकर रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन आसला 1897 तो आपणकर ये आपणकर ऑप्शन सी हो करेक्ट सिक्वेन्सटा बुझे। तो आपणकर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। तो ये भाव में आपंकर डायरेक्ट क्वेश्चन आसपे तो आपंकर देखते आइदर आप टेबुल फर्मेपे बुझे ना आपंकर एमती ऑप्शन मैंने आपंकर सिक्वेन्स अनुसार पचारिपे तो भल भाव प्राक्ट करेंगे बुझे। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा प्रबुद्ध भारत। देखो प्रबुद्ध भारत आर इंग्लीश न्यूज पेपर व्वाज पब्लीश बै देखते ये आप न्यूज पेपर मैं पचारिपर बुझे। जमी आम प्रथम न्यूज पेपर जो बेंगल गैजेट आप जानते हैं मोस्टली परीक्षा आसे सेमती आप क्वेश्चन पचार प्रबुद्ध भारत आर इंग्लीश न्यूज पेपर व्वाज पब्लीश बै तो यहाँ किए पब्लीश करुले पचार तो अप्सन देता आर्य समाज रामकृष्ण मिशन थियोसोफिकल सोसाइटी ब्रह्म समाज। तो सठिक उत्तर कौन तो समस्त मन रखु ये सठिक उत्तर टी हूँ आम रामकृष्ण मिशन। तो मन रखु रामकृष्ण मिशन पब्लीश करुला आम प्रबुद्ध भारत जहाँकि इंग्लीश न्यूज पेपर यहाँ मन रखु ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन आप पचारा ह्वाट व्वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना साहेब। देखते ये क्वेश्चन आसपे तो ओरिजिनल नेम हूँ नाना साहेब कर धोंडु पंत। तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय स्टार्टेड टू कन्फर द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर टू इंडियंस। देखु मोस्टली आप जानते यार सठिक उत्तर हूँ समस्त मन रखु लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन ही थे वाइसरॉय जी की स्टार्ट करते कन्फर करते टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर टू इंडियंस। तो सठिक उत्तर ऑप्शन बी हूँ आपंकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड। देखो आप गोटे टास्क रहा पार्टीशन ऑफ बंगाल के स्टार्ट होता आपंकर इयरटा पार्टीशन ऑफ बंगाल के स्टार्ट होता है इयरटा आप कमेंट में मेंशन करेंगे। तो ये आपको पचार पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिवोक होता बुझे। तो मन रखु पार्टीशन ऑफ बंगालटा आम रिवोक होता 1911 AD रिवोक होता। तो सठिक उत्तर कौन तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखु व्वाज द फास्ट सेसन अफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा हेल्ड। देखु ये आपको डिटेल मुझे जनईबी भल भाव में मन रखु आमर ऑल इंडिया हिंदू महासभा फाउंडर किए तो फाउंडर प्रथम मन रखु मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय यहाँ मतलब परीक्षा आसपे तो से कहली मन रखु मदन मोहन मालवीय अच्छा ऑल इंडिया हिंदू महासभा फाउंडर। तो आप मन रखु प्रथम देखु ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो सेशन गुड़े प्रथम होता प्रिपेरेटरी सेशन होता प्रिपेरेटरी सेशन माने प्रथम प्रिपेरेशन सेशन गुड़े होता 13 February 1915 होता हरिद्वार में 17 February 1915 होता लखनऊ में 27 February 1915 होता दिल्ली में किंतु प्रथम सेशनटा होता मानते प्रथम फास्ट सेशन जोटा कि डायरेक्ट सेशन होता ऑल इंडिया हिंदू महासभा से होता April 1915 AD बुझिपारे कौटे होता सर्वदेशक जो कहे मोस्टली कुंभमेलार होता हरिद्वार होता आपटा मन रखु April 1915 AD आम फास्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा होता। तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए होटे करेक्ट आंसर April 1915 AD। आरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखो कौन दे डिक्लेरेशन ऑफ वेबल प्लान डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग डिक्लेरेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन। तो आप भल भाव जानते अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन के तो समस्त मन रखु क्रिप्स मिशन 1942 आसते बुझे। तापर आपणकर डिक्लेरेशन ऑफ वेबल प्लान के तो ये आप जानते भले 1945 होता से भाई भाव में आपंकर डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग और डिक्लेरेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान बोथ आप जानते हैं 1946 होता 19
1946 रही थी कि आप देखो मंथ अनुसार देखा कारण तो जाणीबन तो आप सेकेंड आई आउ ट्रिपल आई तो आप देखूँ डायरेक्ट आक्शन टे होता षोह अगस्त 1946 बुझिपारे तो से ही भाव में डिक्लेरेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान रही था 16 मे 1946 तो आप अरेंजमेंट करेंगे देखो कौन हम प्रथम आरइवल हम क्रिप्स मिशन तो आई भी आसब आग तो आप देखूँ दुईटा ऑप्शन कटिगला बुझिपारे तो आपंकर सी रहा डी रहा तापर आप आसो 1945 बुझिपारे डिक्लेरेशन ऑफ वेबिल प्लान तो प्रथम आपंकर आई भी रहा तापर आप डिक्लेरेशन ऑफ वेबिल प्लान आई रहा तो आपंकर से अनुसार जब देखिए यहाँ कटिगला तो आपंकर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर प्रथम रहा आप समस्त मन रखु आरआईवल ऑफ क्रिप्स मिशन बुझिपारे 1942 वेबल्स प्लान वेबल्स प्लांटा होता है 1945 डिक्लेरेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान तो डिक्लेरेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान होता 16 मे 1946 हम आप लास्ट को डायरेक्ट आक्शन डे के 16 अगस्त 1946 तो से भाव में देखिए ऑप्शन डी हो आपर करेक्ट आंसर बुझिपारे यही भाव में क्रोनोलॉजी करी आप सिलेक्ट करेंगे जब आप ईयर मन रखिथे कि मंथ मन रखिथे ताल ही आपरिपारे बुझे तो यार ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल और वाइसरॉय वाज स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी देखो ऑप्शन देती लॉर्ड रिपन विलियम बेंटिक लॉर्ड कर्जन लॉर्ड डुफेरिन देखो सठिक उत्तर आपड़े सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन तो लॉर्ड कर्जन होती कि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय वाज स्कॉलर ऑफ द हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ आपर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखु नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा आफ्टर व्हिच इवेंट रवींद्रनाथ टागोर डिनाउंस नाइटहुड देखो ऑप्शन देखा पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जालियाना वालाबाग मासाकर तो चौरी चौरा इंसीडेंट देखो आफ्टर द इवेंट ऑफ जालियाना वालाबाग मासाकर रवींद्रनाथ टागोर डिनाउंस द नाइटहुड तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखु नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा व्हेयर वाज द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत सेटअप देखो अभिनव भारत आम सेटअप कौट होता मोस्टली पचार बुझे ऑप्शन देती उत्तर प्रदेश बंगाल महाराष्ट्र ओडिशा तो सठिक उत्तर कौन तो समस्ते मन रखु आमर अभिनव भारत समस्त मन रखु अभिनव भारत महाराष्ट्र होता तो सेटअप होता तो सठिक उत्तर हूँ आपर ऑप्शन सी महाराष्ट्र तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखु नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा हू रोट मुद्र रक्षासा देखो मुद्र रक्षासा मोस्टली परीक्षा आसे से कलेक्ट करी तो मुद्र रक्षासा आम लिखी थे समस्त मन रखु विशाख दत्ता तो विशाख दत्ता हूँ सठिक उत्तर ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर तो मुद्र रक्षा जितने पचार विशाख दत्ता लिखी थे नेक्स्ट देखु नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय देखो इक्ता सिस्टम को आम इंट्रोड्यूस करते समस्त मन रखु ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर इल्तुतमिस मन रखु इल्तुतमिस ही इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा व्हिच इज द यार्लिएस्ट टेक्स्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर देखो आम यार्लिएस्ट टेक्स्ट हूँ जो वैदिक लिटरेचर से समान रखु ऋग्वेद ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर ऋग्वेद हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा द पेंटिंग नेम्ड लास्ट जजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देखो ऑप्शन देता राफेल लियोनार्डो द विंची माचेलांजेलो फ्रांस हॉल्स देखो सठिक उत्तर जो द पेंटिंग नेम्ड लास्ट जजमेंट इज क्रिएशन ऑफ द माचेलांजेलो तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर माचेलांजेलो सठिक उत्तर नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा द ड्यूरेशन ऑफ द 30 इयर्स वार इन यूरोप वाज देखो ड्यूरेशन मन रखु 30 इयर्स वार यूरोप जो होता सेटा होता 1618 पर्यंत तो सठिक उत्तर ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर मन रखु आमर नेक्स्ट देखु हू वाज द चेयरमैन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट महासभा देखो थर्ड बुद्धिस्ट महासभा जो होता ना तार चेयरमैन किए होते बुझे थर्ड बुद्धिस्ट महासभा चेयरमैन किए होते पचारप्शन देता अशोका कनिष्का मोगलीपुट्टा तिसैया अशोकघोष देखो सठिक उत्तर हूँ थर्ड बुद्धिस्ट महासभा चेयरमैन होते मोगलीपुट्टा तिसैया तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ आपर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखु नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा हू रोट सोशियाल कंट्राक्ट देखते ये क्वेश्चन आप हिस्टोरिकल क्वेश्चन मैं पचारिपे तो सोशियाल कंट्राक्टर को आम लिखी थे समस्त मन रखु सोशियाल कंट्राक्टर को आम लिखी थे सी होती रोसेयू ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर
नेक्स्ट देखु क्वेश्चन पचारा द रेनेसांस साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन दैट द प्लानेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन वाज देखु ये कही केप्लर केप्लर हिं कही तो सठिक उत्तर टी हूँ ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा हु लेड बरदोली सत्याग्रह यहाँ अलरेडी आम बहुत थोड़ा डिस्कसन करे तो बरदोली सत्याग्रह आम जे लीड करते ना से होती समस्त मन रखु आम प्रिय सर्दार वल्लभ भाई पटेल जहाँ को आम कहे आयरन मैन ऑफ इंडिया आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आप गोटे टास्क रहा आमर वल्लभ भाई पटेल जी जो मूर्ति स्थापना कर स्टाच्यू ऑफ यूनिटी स्टाच्यू ऑफ यूनिटी तार उच्चता के आप कमेंट से मेनसन करेंगे हाइट हाइट अफ स्टाच्यू अफ यूनिटर मैंने हाइट के कमेंट मेनसन करेंगे। नेक्स्ट देखु नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा व्हेन डिड द दांडी मार्च बिगिन आट द इनिशिएशन अफ गांधीजी देखो इनिशिएशन टाइम गांधीजी द्वारा जो दांडी मार्च होता ना से कौ डेट्रे मैंने स्टार्ट होता पचार देखो अप्सन देता 12 May 1938 12 April 1938 12 March 1938 12 February 1938 तो सठिक उत्तर कौन तो सठिक उत्तर टी समे मन रखु ये सठिक उत्तर टी हूँ आपसन सी 12 March 1938 तो मन रखु भाला भाव में अप्सन सी हूँ आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारा द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज देखो पेंटर होंगे मोनालिसा पेंटिंग से होंगे लियोनार्डो लियोनार्डो दा विंसी तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए हूँ आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारा व्हेयर वाज द हेडक्वार्टर फॉर गदर पार्टी लोकेटेड बहुत थर आम यहाँ डिस्कसन करे गदर पार्टी हेडक्वार्टर टाइम रही है सान फ्रांसिस्को जैक कैलिफोर्निया तो सठिक उत्तर ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा ओपियम वार्स वेयर फॉट बिटवीन व्हिच कंट्रीज देखो आमर फेमस ओपियम वार जो कहे भला भाव में तो मन रखु से क्या क्या मध्य होता है तो ओपियम वार्स होता चाइना आउ यूके मध्य मैंने इंग्लैंड मध्य चाइना इंग्लैंड मध्य ओपियम वार होता तो सठिक उत्तर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर चाइना यह सहित मन रखु यूके मैंने इंग्लैंड। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा बराहमीर रोड द फेमस डेस्क देखो बराहमीर आम जो लिखी थे ना से बृहत संहिता तो सठिक उत्तर ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर बृहत संहिता ही बराहमीर लिखी थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारा द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 24 October 1929 AD व्हाट इज दिस डेट कॉल्ड देखो से डेट को आम कहला ब्लैक थर्सडे तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर ब्लैक थर्सडे कहला तो समस्त मन रखु भला भाव में। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा हु वाज द फास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म देखो प्रथम तीर्थंकर जैनिज्म मानकर किए थे तो सठिक उत्तर टी हूँ समस्त मन रखु से होती ऋषभदेव तो ऋषभदेव वाज द फास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म यहाँ आप मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखु तो यह सहित देखो आप टैक्स है पार्श्वनाथ केतम तीर्थंकर जैनिज्म आप कमेंट मेनसन करेंगे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया तो ये क्वेश्चन आप परीक्षा में डायरेक्ट आसपे तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्या कहा जाता तो मन रखु बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहुला समस्त मन रखु कहुला क्या तो समस्त मन रखु सर्दार वल्लभ भाई पटेल को ही कहुला तो सर्दार वल्लभ भाई पटेल को ही बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहुला तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ रिवोल्यूशनरी सोसाइटी इंडिया होम रूल सोसाइटी सेट अप आउट ऑफ द इंडिया देखो ऑप्शन था श्यामजी कृष्ण वर्मा लाल हरदयाल भाई प्रेमानंद राजा महेंद्र प्रताप तो सठिक उत्तर होती फाउंडर ऑफ अ रिवोल्यूशनरी सोसाइटी इंडिया होम रूल सोसाइटी को सेटअप करते आउट ऑफ इंडिया से होती श्यामजी कृष्ण वर्मा तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारा फ्रॉम व्हेयर सुभाष चंद्र बोस गेव द कॉल दिल्ली चलो और चलो दिल्ली देखो ये डकरा कर समस्त मन रखु आम जो प्रिय नेताजी मैंने डाक देते दिल्ली चलो और चलो दिल्ली तो सेटा आमर सिंगापुर ही कही तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए सिंगापुर गोटे थी पादांग पादांग लार्ज फिल्ड गोटे थी पादांग लार्ज फिल्ड रहा मैंने डाकरा देते सुभाष चंद्र बोस जी चलो दिल्ली तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा व्हिच नेम सुभाष चंद्र बोस गेव टू निकोबर आइलैंड देखो दुईटा जिनस आंसर आपे तो आपर जितने पचार अंडामान निकोबर मोस्टली पचारे ना अंडामान निकोबर आइलैंड रही यूटी तो अंडामान नाटा अंडामान ना अंडामान आइलैंड जो रही अंडामान आइलैंड नाटा सुभाष चंद्र बोस देते समस्त मन रखु से शहीद शहीद बुझे
ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଦେଲେ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରିସାଇଡେଡ୍ ଓଭର ଦ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୱାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୁଇଥର କିଏ ମାନେ ସେସନ୍ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ୱିଲିୟମ୍ ୱେଡରବର୍ନ। ତ ୱିଲିୟମ୍ ୱେଡରବର୍ନ ଦୁଇଟା ସେସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 1889ରେ ଥରେ ସେସନ୍ ସିଏ ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ 1910ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଟ୍ୱାଇସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ରହିଲା ଜର୍ଜ ୟୁଲେ। ତ ଜର୍ଜ ୟୁଲେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଜର୍ଜ ୟୁଲେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଇଏନ୍ସି, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟାର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ବେଦିକ ଲିଟରେଚର। ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ଋଗ୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଋଗ୍ବେଦ ହେଉଛି ଆମର ୟାର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ବେଦିକ ଲିଟରେଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଆସେ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପିକ୍ କରିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେସନ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ସୋ ଦାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।